चिराग पासवान शुक्रवार को पटना पहुंचते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। उन्होंने अमित शाह द्वारा नीतीश को पलटू राम कहे जाने का समर्थन किया और कहा कि नीतीश कुमार ने उन सभी लोगों को धोखा देने का काम किया है जिनकी मदद से वो आगे बढ़े हैं। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर छिड़े विवाद पर चिराग ने अपना और अपनी पार्टी का स्टैंड साफ किया। इसके साथ ही विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने अपने विचार रखे। पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार थोड़ी गंभीरता विपक्षी एकता को लेकर देखने को मिली है। इससे पहले सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए सब साथ आते थे। लगातार बैठकें हो रही हैं लेकिन आने वाला समय ही तय करेगा कि इन बैठकों का क्या नतीजा निकलता है। एक साथ एक मंच पर आकर चर्चा करना आसान है। राज्यों में जो पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती रही हैं लेकिन चुनाव में जाने तक सभी एकजुट रह पाते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। नेतृत्व कौन करेगा, इस पर सहमति बन पाएगी, ऐसे में एकता बनी रहती है या चुनाव आते आते धराशायी हो जाती है, ये देखना होगा। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड के सवाल पर चिराग ने कहा कि जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सामने नहीं आता है तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। देश के हर राज्य में अलग कायदे कानून और परंपराएं हैं। जब तक लॉ कमीशन यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सामने नहीं लाता है तब तक उसके ऊपर किसी भी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। ड्राफ्ट सामने आने के बाद लोजपा यानी रामविलास उसका अध्ययन करने के बाद ही उस पर फैसला लेगा। विपक्षी एकता का प्रयास कर रहे हैं, बहरहाल पहली बार थोड़ी गंभीरता जरूर विपक्षी एकता में देखने को मिली है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि सिर्फ तस्वीरें खिंचाने के लिए सब साथ आते थे, पर इस बार जो बार बार इन लोगों की बैठक हो रही है, पर ये आने वाला समय ही बताएगा कि इन बैठकों का कोई निष्कर्ष निकलता है कि नहीं निकलता है। देखिए स्वाभाविक है, एक साथ एक मंच पर आकर चर्चा करना आसान है, पर साथ मिलकर और खासतौर पर कई ऐसे राज्यों में साथ मिलकर चुनाव लड़ना जहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ ही जिनकी राजनीति हमेशा से रही है, राज्यों का नाम लेने की जरूरत नहीं है, पर कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर जो दल साथ में बैठे हैं उनके खिलाफ ही उन लोगों ने अपनी राजनीति करने का काम किया है। तो ऐसे में चुनाव में जब ये लोग जाएंगे तब तक क्या ये विपक्षी एकता बरकरार रहेगी, इस विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा, क्या उस पर सबकी सहमति बनेगी। पिछले दिनों भी जब ये लोग बिहार भी आए थे तो उस वक्त भी कुछ मतभेद कुछ दलों के बीच देखने को मिले थे, बट बहरहाल ये आने वाला समय ही बताएगा कि ये विपक्षी एकता इस तरीके से बरकरार रह पाती है या चुनाव आते आते तक धराशायी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया है, वहीं विपक्षी खेमा जो है इसके बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी ने इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कही है, आरजेडी और जेडीयू इसका विरोध कर रही है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पे? भाई देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जहां तक बात है, भारत विभिन्नताओं का देश है और भारत की खूबसूरती ही यही रही है कि जितनी भी विभिन्नताएं हैं यहाँ पर हर किसी को अपनी पहचान इस देश में रहते हुए मिली है। ऐसे में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, जब तक इसका ड्राफ्ट सामने नहीं आता, ये लॉ कमीशन की पहली जिम्मेदारी बनती है कि भाई इसका ड्राफ्ट तो दें। जहाँ पर अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग नियम कायदे कानून परंपराएं हैं, आप एक ही धर्म में देखिएगा तो कई अलग अलग क्षेत्रों में जाके परंपराएं बदलती हैं और वो उन परंपराओं को मानते हैं। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट को ही ले लें तो आप ऊपर नॉर्थ में अलग हैं, डाउन साउथ जाते जाते तक नॉर्थ में उसके नियम कायदे कानून अलग हैं, रिश्तेदार जनरेशंस में आप नहीं कर सकते, डाउन साउथ जाते जाते अपने अंकल के साथ आप शादी ब्याह कर सकते, तो कई ऐसे नियम कायदे कानून हैं। आप ईस्ट में जाएंगे ईस्ट की परंपराएं और हैं, साउथ की और हैं, नॉर्थ की और हैं। तो ऐसे में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो वो क्या ड्राफ्ट है, जब तक लॉ कमीशन उस ड्राफ्ट को आपके सामने नहीं रखता, मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी का भी कोई भी टिप्पणी करना उचित है। एक बार वो ड्राफ्ट आएगा, उस ड्राफ्ट को मैं मेरी पार्टी पूरी गंभीरता से हम लोग उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद ही उस पर अपनी टिप्पणी देना उचित है।